अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टैक्सेशन मैनेजमेंट में टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम टैक्सेशन की दो टाइप्स पढ़ चुके हैं, दो टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें एक टाइप हमने कहा था कि डायरेक्ट टैक्सेस और सेकंड टाइप हमने डिस्कस की थी इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो टैक्सेस हैं, वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज पर गवर्नमेंट जनरेट कर रही होती है या कलेक्ट करती है, तो उसको हमने कहा था इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा सोर्स जो गवर्नमेंट के पास है रेवेन्यू सोर्स, वो है डायरेक्ट टैक्सेस का। तो सैलरी हेड जो है ये डायरेक्ट टैक्सेस में आता है। यानी कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट 5 बेसिक डायरेक्ट हेड्स यूज़ करती है, जो नेशनल से या टैक्स पेयर से, जिनके ज़रिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है। सेक्शन 12 है हमारा, और अब हम डायरेक्ट टैक्सेस के हेड स्टार्ट करेंगे। तो अब फर्स्ट हेड हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है डायरेक्ट टैक्स का सैलरी हेड। सैलरी सेक्शन 11, इनकम ऑफ हेड सेक्शन 11 में आ जाता है, और सैलरी जो है सेक्शन 12 में आएगा। देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए, हेड्स हैं या सोर्सेज हैं जिनको यूज़ करते हुए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। इनमें फर्स्ट मेरे पास आ रहा है सैलरी हेड, हेड ऑफ इनकम्स सेक्शन 11। अ पर्सन में अर्न एंड रिसीव्ड इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर फॉर द पर्पज ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल द इनकम इज क्लासिफाइड अंडर द 5 हेड्स। These heads of income have been specified in Section 11 of Income Tax Ordinance 2001 and are as follows. The first one is salary, second income from house property, third income from business and profession, second last capital gains, and the last one is income from other sources. यानी government 5 head use करके, 5 head के जरिए 5 sources को use करते हुए गवर्नमेंट अपने नेशनल से या टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट करती है, लेकिन ये डायरेक्ट हेड्स होंगे, इनडायरेक्ट हेड्स नहीं होंगे। डायरेक्ट मींस के जो टैक्स पेयर होगा वो डायरेक्टली बाय टैक्स रिटर्न, यानी टैक्स गोशवारा, या आप कह सकते हैं प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म यूज़ करते हुए अपना टैक्स सबमिट करेगा, टैक्स जमा करवाएगा, तो आप कहेंगे ये डायरेक्ट टैक्स एक नेशनल, एक सिटीजन या टैक्स पेयर पे कर रहा है। जब इनडायरेक्ट की बात आती है तो वहाँ गुड्स या सर्विसेज को के ज़रिए, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ज़रिए उसकी प्राइस में ही गवर्नमेंट क्या कर लेती है, टैक्स को ऐड कर लेती है, तो वहाँ से भी इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो वो हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स क्या है, आप खुद एज अ टैक्स पेयर या नेशनल जाके अपना टैक्स सबमिट करें, टैक्स जमा करवाएं, गोशवारा सबमिट करें, टैक्स रिटर्न सबमिट करें, तो आप ये क्या कहेंगे कि हम डायरेक्ट टैक्स के हेड को यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में पहला हेड क्या है, सैलरी का है, सेकेंड इनकम फ्राम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है इनकम फ्राम बिजनेस और प्रोफेशन, इसी तरह कैपिटल गेंस और इनकम फ्राम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड हैं, हर एक नेशनल को या टैक्स पेयर को इन 5 हेड्स की इनकम बतानी होती है। अगर कोई ऐसा पर्सन जो सैलरी अर्न करता है, कहीं जॉब होल्डर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई है, प्राइवेट जॉब करता है, तो वो सैलरी की अपनी इनकम बताएगा कि मैंने कितनी इनकम कमाई सैलरी के मद में और उस पर मेरा टैक्स कितना बन रहा है। इसी तरह हाउस प्रॉपर्टी, जो हमारा सेकंड नेक्स्ट टॉपिक होगा, बिजनेस या प्रोफेशन से कोई पर्सन अगर इनकम कमाता है या अर्न करता है, तो ये सोर्स के ज़रिए बताएगा। इसी तरह कैपिटल गेंस हैं, इनका सोर्स अगर कोई है कैपिटल गेंस को, यानी कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट है या कोई एसेट, कैपिटल एसेट वो बेचता है या सेल करता है, उससे कोई रेवेन्यू अर्न होती है, तो कैपिटल गेंस होगा, और ये भी बताना होगा एक पर्सन को टैक्स गोशवारे में। और इसी तरह अगर इन 4 हेड में इनकम ना आए, तो आपको इनकम फ्राम अदर सोर्सेज के हेड को यूज़ करते हुए इनकम को डिक्लेयर करना होगा। Each and every income earned by a person can be classified in one of these heads. The presence of the 5th head, that is income from other sources, makes it sure that any income which cannot be included in any of the first 4 heads must be taxed under this general head. तो फिर आप लास्ट हेड को एक दे दिया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, इसको यूज़ करते हुए आप अपना टैक्स सबमिट करेंगे, टैक्स जमा करवाएंगे।
Classification of income of the person under five different heads doesn't mean that a person will have to pay five different taxes. Classification is only necessary because the procedure adopted for computation of income under each head is different. It is necessary on their humanitarian, logical, and justice grounds to evolve different principles and bases for computing the taxable income under each head. यानी गवर्नमेंट हेड क्यों दे दिए गए हैं कि जो पर्सन जिस हेड में बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस की इनकम बिजनेस के हेड को यूज़ करेगा, इस सेक्शन को यूज़ करेगा, रूल्स रेगुलेशंस जो है इसी सेक्शन के उस पर इंप्लीमेंटेड होंगे। इसी तरह कोई कैपिटल गेन में आ रहा है यानी अपनी कोई कैपिटल एसेट्स को बेचता है, इन्वेस्टमेंट है या सेल करता है, तो उसकी कोई रेवेन्यू या अर्निंग है तो वो इस हेड को यूज़ करेगा। इसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी से कोई अर्निंग उसको होती है, एनुअल इनकम आती है, तो इस सेक्शन को, इसके रूल्स को फॉलो करते हुए अपना गोशवारा जमा करवाए। ये हमने इंट्रोडक्शन लिया हेड्स ऑफ इनकम का। अब हम फर्स्ट हेड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सैलरी हेड। सैलरी हेड का सेक्शन है 12। और सैलरी हेड में फीचर्स इसके क्या होंगे या इसका क्या थीम है? अगर कोई पर्सन एनुअली सैलरी पर्सन है, सैलरी के ज़रिए उसको इनकम मिल रही है, अर्निंग हो रही है, तो वो सैलरी हेड को यूज़ करते हुए, इसके रूल्स रेगुलेशन को यूज़ करते हुए टैक्स जमा करवाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट हेड आर सोर्स ऑफ इनकम मेंशन इन सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। For proper understanding, it is necessary to distinguish the income from salary and income taxable under other heads. अब देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या होंगे इनकम सैलरी इनकम के। द मेन फीचर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल एज सैलरी आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज द अमाउंट मस्ट बी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर। इट इज़ नेसेसरी दैट रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय शुड एग्जिस्ट। इफ सच अ रिलेशनशिप इज नॉट प्रेजेंट, द अमाउंट रिसीव्ड कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर दिस हेड। कोई भी पर्सन अगर अपने एम्प्लॉयर से कोई भी रेवेन्यू उसको मिलती है, कोई इनकम जनरेट होती है, तो इसे आप सैलरी इनकम में ले आएंगे, सैलरी इनकम में इसे टैक्स किया जाएगा, सैलरी इनकम में राइट अप करेंगे, लेकिन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन अगर जॉब कर रहा है तो वो अगर रेगुलर एम्प्लॉय होगा तो वो सैलरी हेड में अपनी इनकम लिखेगा, रेगुलर एम्प्लॉय अगर होगा। सेकेंड, इनकम इज पेड बाई गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, पब्लिक बॉडी, एसोसिएशन और प्राइवेट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट इज नॉट टैक्स्ड अंडर दिस सेक्शन। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट है या लोकल अथॉरिटी उसके अंडर काम कर रहा है, उसका इदारा है, या कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉयर मीन्स के एम्प्लॉय हो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट का, जो एम्प्लॉयर को इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयर एक पर्सन भी हो सकता है, तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के किसी भी इदारे से, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, कोई अर्निंग कर रहा है, तो वो उसकी सैलरी कंसिडर होगी। लेकिन अगर कोई भी पर्सन कोई फॉरेन गवर्नमेंट से कोई रेवेन्यू अर्न करता है तो वो उसकी सैलरी इनकम नहीं होगी। इनकम इज़ ड्यू टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग और आफ्टर सर्विस। इट मीन्स दैट पेंशन पेड बाई पास्ट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आफ्टर सर्विस इज़ इंक्लूडेड इन सैलरी। अगर कोई भी पर्सन पेंशन लेता है, पेंशन अपने एक्स एम्प्लॉयर से ले रहा है, किसी भी इदारे से ले रहा है, तो वो सैलरी इनकम भी इसे डिक्लेयर करेगा, सैलरी हेड में शो करेगा, अपने स्टेटमेंट जो शो करेगा, रिटर्न सबमिट किया जाएगा, गोशवारा जब जमा करवाएगा एनुअली, तो उसमें सैलरी हेड में पेंशन को लिखा जाएगा। Employee in case of company includes the managing director, director or an agent of the company. कोई भी ऐसा employee, the managing director हो, director हो, या किसी भी company का consigner हो या agent हो, तो वो person भी employee consider होगा, उसकी income salary consider होगी। Next point, salary earned is taxable whether received or not. कोई भी पर्सन अगर सैलरी अर्न करता है, चाहे उसे रिसीव हुई हो चाहे ना हुई हो, अगर वो उसका हकदार है या उसका राइट बन चुका या क्लेम बन चुका, जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स अगर वो कह रहा है कि मैं रिसीवेबल हूँ, तो यहाँ इसे सैलरी डिक्लेयर किया जाएगा। यानी अगर कोई भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दे चुका है लेकिन उसको सैलरी अभी तक नहीं मिली, लेकिन उसका क्लेम बन चुका है, तो ये क्लेम उसे डिक्लेयर करना होगा अपने गोशवारे में या रिटर्न। ये पाँच फीचर्स हमने पढ़े हैं। अब इन पांच फीचर का एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन। मिस्टर सलमान स्टार्ट्स अ जॉब ऑन 1st July 2017। हिज मंथली सैलरी विच ही रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ इज 40,000 पर मंथ। एक पर्सन जो 1st July 2017 को जॉब स्टार्ट करता है,
और 40,000 इसकी पर मंथ सैलरी है। बीइंग अ सैलरी पर्सन हिज टैक्स ईयर एंड्स ऑन 30th जून 2018। व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर द टैक्स ईयर 2018। अब क्योंकि ये July 1 से June 30 तक इम्प्लाई होगा किसी भी इदारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अब देखेंगे कितने मंथ इसके बन रहे हैं। पर मंथ ये 40,000 इसकी सैलरी है। अब देख लें, 1 जुलाई को ये जॉब स्टार्ट कर रहा है तो इसको 1 अगस्त को फर्स्ट सैलरी मिलेगी। इसका मतलब है कि July 1 को इसको सैलरी नहीं मिलनी, 1 अगस्त को जाके ये फर्स्ट अर्निंग करेगा। इसी तरह June 30 थे, इस टैक्स ईयर एंड ऑन June 30, और June 30 को इसका टैक्स ईयर एंड हो जाता है। व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी, टैक्सेबल अमाउंट हमें यहाँ बताना होगा। मिस्टर सलमान विल रिसीव ये सोल्यूशन है हमारे पास फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 1 अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ऑन 1 सेप्टेम्बर एंड सो ऑन। अब हर मंथ के फर्स्ट डेट पे इसने, क्योंकि 40,000 इसको मिलने हैं, तो फर्स्ट सैलरी तो इसे 1 अगस्त को मिलेगी। इसका मतलब 1 अगस्त को इसको फर्स्ट सैलरी मिलनी है, और इसी तरह 1 जून को इसकी लास्ट सैलरी होगी। 1 जून को लास्ट सैलरी होगी, 30th जून को इसको सैलरी क्योंकि नहीं मिली। इसका मतलब है 11 महीने इसके ईयर में आ रहे हैं, 12 मंथ नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट देख लें, 30th जून 2018 ही हैज़ वर्क फॉर 12 मंथ्स एंड सो हैज़ अर्न अ सैलरी ऑफ 4,80,000, 40,000 मल्टीप्लाई विथ 12। अगर हम ये देख लें इस तरह, वो 12 महीने की जॉब कर चुका है, बट ही हैज़ रिसीव्ड ओनली 11 मंथ सैलरी। 11 मंथ की सैलरी लेगा यह पर्सन, क्योंकि June 30, 2018 को इसका ईयर एंड हो रहा है, लेकिन इसको तो July 1, 2018 को नेक्स्ट सैलरी मिलनी है जो होगी June 2018 की। इस तरह 1 मंथ की सैलरी इसकी नेक्स्ट ईयर के गोशवारा में जाएगी, रिटर्न में जाएगी, और जो रिटर्न ये 2017 to 2018 का सबमिट करेगा ये पर्सन यानी सलमान, तो इस ईयर में 11 मंथ की सैलरी आएगी। तो हमारी कैलकुलेशन होनी चाहिए 40,000 मल्टीप्लाई विद 11, बिकॉज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ June 2018 ही विल रिसीव ऑन 1 जुलाई 2018। ये तो 2018 के 1 जुलाई को मिलेगी, जो इसका नेक्स्ट ईयर 2018 to 2019 में चला जाएगा ये अमाउंट। मिस्टर सलमान सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2018 विल बी 4,80,000, बिकॉज सैलरी अर्न टैक्सेबल वेदर रिसीव्ड और नॉट। अगर ये 4,80,000 यानी 2018 की सैलरी हम इसकी ले रहे हैं, 4,80,000। अब देखें, हम ये देखेंगे कि 11 महीने की सैलरी ऐसी है जो ये पर्सन रिसीव कर चुका है, 1 मंथ की सैलरी ऐसी है जो ये सर्विसेज तो इसने उसी मंथ में दी हैं लेकिन रिसीव नहीं किया। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि हमें इसकी सैलरी क्या 440,000 लिखनी चाहिए या 480,000 लिखनी चाहिए। तो यहाँ हमें 480,000 सैलरी डिक्लेयर करनी चाहिए। अगर हम 440,000 डिक्लेयर करते हैं, जो लॉजिकल था, जो पहले मैं आपको कह रहा था कि 1 मंथ तो ये क्योंकि नेक्स्ट में जाके गोशवारा में लिखेगा, अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो वो फिर गलत कर रहा है। उसे नेक्स्ट मंथ में अपने गोशवारा में ये इनकम नहीं लिखनी चाहिए, उसे अपने प्रीवियस जो ईयर था उसमें ये इनकम लिखनी चाहिए, क्योंकि June 30, 2018 तक वो सर्विसेज भी दे चुका है, सैलरी अर्न कर चुका है, लेकिन रिसीव नहीं की 1 महीने की। 11 महीनों की रिसीव कर चुका है, 12 मंथ की रिसीव नहीं की सैलरी। तो अगर हम 12 मंथ की रिसीव नहीं कर चुके और उसको रिकॉर्ड ना करें, तो ये तो हम अकाउंटिंग रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल जब हम पढ़ते हैं तो इन रूल्स की, हम डेटर और क्रेडिटर रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं क्रेडिट अकाउंटिंग की। तो हमें यहाँ क्या करना होगा कि अगर टैक्स अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को हम सामने रखें, टैक्सेशन को सामने रखें, तो हमें फिर 4,80,000 डिक्लेयर करने होंगे। मिस्टर सलमान अपने गोशवारे में लिखेगा कि 4,80,000 मैंने अर्न किए 2017 to 2018, फाइनेंशियल ईयर 2017 to 2018 में मैंने 4,80,000 अर्न किए, 440 रिसीव्ड और 40,000 विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर बट अर्नड। ये आपके पास हो गया फीचर ऑफ सैलरी इनकम। तो ये हमने इलस्ट्रेशन देखी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर आ रहा है, 6th फीचर, सैलरी रिसीवेबल इज टैक्स वेदर अर्नड और नॉट। ठीक है, तो अब हमने क्लियर कर लिया कि एक फीचर ये भी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई भी टैक्स पेयर अगर सैलरी अर्न कर चुका है, चाहे उसने रिसीव की चाहे नहीं की, वो उसको डिक्लेयर करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम स्कोप ऑफ सैलरी इनकम। तो ये हमारे पास फीचर थे, आज हमने जो फर्स्ट टॉपिक देखा वो था फीचर ऑफ सैलरी इनकम, सेकेंड टॉपिक स्कोप ऑफ सैलरी इनकम। द वर्ड सैलरी हैज़ बीन यूज इन द ब्रॉडर सेंस इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एज कम्पेयर टू इट्स यूज इन आवर डेली कन्वर्सेशन। द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिसीट्स आर इंक्लूडेड इन द टर्म सैलरी अंडर सेक्शन 12, सैलरी एंड वेजेस,
अब देखें स्कोप कहाँ कहाँ है। सैलरी एंड वेजेस, जहाँ भी आपको ये टर्मिनोलॉजीज नज़र आएँ, ये सैलरी हेड में लिखी जाएंगी। एन्युटी, पेंशन और ग्रेचुटी, फी कमीशन और अलाउंसेस, परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट इन ली ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, इम्प्लाई शेयर स्कीम, ये छह आपके पास हेड्स आ रहे हैं। ये सैलरी इनकम में इन हेड्स को आप डिक्लेयर करेंगे, शो करेंगे। लेट अस ब्रीफली डिस्कस ईच ऑफ द अबाव ग्रुप। द फर्स्ट वन इज सैलरी। सैलरी और वेजेस का क्या मतलब होगा यहाँ? सैलरी मीन्स फिक्स्ड वीकली और मंथली रेम्यूनरेशन। जहाँ भी सैलरी का वर्ड आए तो समझ जाएँ कि ये फिक्स्ड वीकली या मंथली रेम्यूनरेशन है। वेजेस मीन्स अमाउंट्स अर्न्ड बाय लेबरर एंड आर्टिसंस नॉर्मली पेबल ऑन आवरली, डेली और पीस वर्क बेसिस। अगर कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी लेबरर है, कोई भी पर्सन, वो आवरली, डेली या पीस वर्क बेसिस प्रोडक्ट्स बनाने, नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पर उसे कुछ मिल रहा हो तो ये वेजेस कहा जाएगा। अदरवाइज बाकी जितना भी अमाउंट कोई पर्सन अर्न करता है तो उसे आप सैलरी कहेंगे। सेकंड जो हमने स्कोप देखा वो था एनुइटीज। एनुइटीज एनुअल अमाउंट होते हैं। एनुइटीज आर द अमाउंट्स पेड बाय एम्प्लॉयर एनुअली। कोई भी एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन एनुअली अगर आपको कुछ पे कर रहा है, किसी भी टैक्स पर्सन को, नेशनल को, तो इसे आप एनुइटी कहेंगे। पेंशन मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद किसी पर्सन को जो भी मंथली अमाउंट मिल रहा होती है, इसे पेंशन कहा जाएगा। और एनुइटी किसे कहा जाएगा? कोई भी पर्सन एनुअली कोई भी अमाउंट अर्न करता है, एक साल के मीन्स के उसकी कहीं इन्वेस्टमेंट है और हर साल उसे कोई अमाउंट मिलता है, तो ये एनुइटी होगा। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे एनुअल कोई शेयर दे रही है, तो इसे एनुइटी कंसिडर किया जाएगा। और ये सैलरी हेड में आप लिखेंगे। ग्रेचुटी इज अ लमसम अमाउंट गिवन बाई एम्प्लॉयर नॉर्मली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसी तरह ग्रेचुटी वो अमाउंट होता है, कोई भी पर्सन जब रिटायर हो रहा हो तो उसे एक लमसम अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम, जो उसने उसने और एम्प्लॉय ने और एम्प्लॉयर ने एक अपनी जो उसका जॉब टाइम होता है या जॉब पीरियड, उसमें इन दो लोगों के शेयर से या अमाउंट से या इन्वेस्टमेंट से ये अमाउंट बना होता है, इसे आप ग्रेचुटी कहेंगे। कोई पर्सन 20 लाख किसे मिल रहा होता है स्केल या बीपीएस की बेसिस पर अमाउंट मिल रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी की बेसिस पर ग्रेचुटी मिलती है। तो कोई पर्सन 20 लाख, किसी को 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ये एंड पे मिल रहा होता है जब रिटायर होता है एक पर्सन, तो इसे ग्रेचुटी कहा जाएगा। ग्रेचुटी को सैलरी हेड में आप डिक्लेयर करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फीस आर अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। कमीशन इंप्लाइज द वर्क डन ऑन द रेम्यूनरेशन एग्रीड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ एम्प्लॉयर, फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ प्रॉफिट, 2% सेल एटसेट्रा। अगर कोई भी पर्सन उसे कोई भी इदारा या ऑर्गेनाइजेशन कोई फी प्रोवाइड करे या उसकी इनकम में या उसको कोई फीस दी जाए एम्प्लॉयर की तरफ से, तो इससे भी आप वो पर्सन सैलरी हेड में लिखेगा। यानी कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं और उसकी बेसिस पर उसे फी दी जाती है, यानी डॉक्टर है, लॉयर है, आर्टिस्ट है, तो इसे क्या कहा जाएगा कि ये सैलरी इनकम है। अगर कोई भी पर्सन किसी को कमीशन मिलती है, यानी कि लोगों को टारगेट दे दिए जाते हैं कि आप अगर 10% 20% प्रॉफिट पर 2% या 10% दिया जाएगा, सेल जितनी होगी उस सेल की वैल्यू पे आपको कमीशन दी जाएगी, तो कोई भी पर्सन अगर कमीशन अर्न कर रहा है तो वो उसकी सैलरी कंसिडर की जाएगी। परक्विजिट्स मीन्स फैसिलिटीज आर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन कोई भी उसे परक्विजिट्स मिल रहे हैं, कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, तो इनको परक्विजिट्स कहा जाएगा। परक्विजिट्स क्या होंगे कि कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कोई बेनिफिट उसे मिल रहे हो, कोई एडवांटेज दिया जा रहा हो, तो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल हो, तो इस कोई वैल्यू को सैलरी हेड में डिक्लेयर किया जाएगा। एक टैक्स पेयर या टैक्स या नेशनल या सिटीजन या एम्प्लॉई डिक्लेयर करेगा। परक्विजिट्स क्या हो सकते हैं? परक्विजिट्स में देख लें कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन यानी रिहाइश अगर दे दे, उसकी वैल्यू डिक्लेयर की जाएगी। रूल्स फर्दर हम टॉपिक देखेंगे कि रूल्स क्या हैं, इसके क्या रेशियो है, कितनी वैल्यू डिक्लेयर की जाएगी, कौन कौन से एम्प्लॉय करेंगे डिक्लेयर और किन को एग्जम्पशन है, ये हम नेक्स्ट रूल्स आ रहे हैं। वैल्यू ऑफ एन अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर आर एट कंसेशनल रेट। या तो फिर ये होगा अकोमोडेशन दी जाएगी बट कंसेशनल रेट पे दी जाएगी, कि मार्केट रेंट का हाफ लिया जाएगा या बेसिक पे की परसेंटेज बताई जाएगी। तो ये रूल्स हैं जो फर्दर हमारे सामने रेट्स आने हैं, उनको हम ये क्लियर कर लेंगे। तो ये भी वैल्यू लिखी जाएगी, से भी पर्सन अपनी इसे इनकम कहेगा कि मैं फायदा ले रहा हूँ, बेनिफिट ले रहा हूँ, उसको डिक्लेयर ज़रूर करेगा।
इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू इफेक्ट लाइफ इंश्योरेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। अगर किसी इम्प्लाई को कोई इम्प्लायर या ऑर्गेनाइजेशन उसकी इंश्योरेंस पे कर रहा है, कोई इदारा या कंपनी इंश्योरेंस पे कर रही है अपने इम्प्लाई की, तो ये इंश्योरेंस डिक्लेयर करना ज़रूरी होगा इम्प्लाई को टैक्स रिटर्न में या सैलरी हेड में। और डेट ऑफ इम्प्लाई पेड बाय इम्प्लायर, अगर कोई भी इम्प्लायर अपने इम्प्लाई का लोन पे करता है, लोन की इंस्टॉलमेंट पे करता है, एनुअल या मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है और फैसिलिटी है इम्प्लाई के लिए, तो यहाँ इस डेट इंस्टॉलमेंट्स को या अमाउंट को इम्प्लाई ज़रूर अपनी रिटर्न में गोशवारे में शो करेगा, क्योंकि ये बेनिफिट है और परक्विजिट्स हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर और ऑल परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर। या तो एम्प्लॉयर आपको कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करे, या कोई अगर कन्वेंस दे दे, कोई गाड़ी प्रोवाइड कर दे, तो यहाँ रेट दिए जाएंगे कि गाड़ी सीसी पे होता है कि कितने सीसी गाड़ी है, उसको देखते हुए फिर कंसेशनल रेट्स हैं, उन रेट की बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्दर हमारे पास ये डिटेल टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए ये प्रिक्विजिट्स होंगे अगर कोई भी इम्प्लॉयर अपने इम्प्लाई को या ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाई को कोई भी कन्वेंस फैसिलिटी दे, तो इस बेनिफिट को, इस वैल्यू को इम्प्लाई को अपने गोशवारा में या टैक्स रिटर्न में शो करना ज़रूरी होगा। सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इम्प्लाई को हाउसकीपर प्रोवाइड करती है, ड्राइवर प्रोवाइड कर रही है, गार्डनर प्रोवाइड किया जा रहा है, अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट या कोई और असिस्टेंट यानी कुक प्रोवाइड किया जा रहा है, या कोई भी ऐसा पर्सन सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो इस फैसिलिटी को डिक्लेयर करना गोशवारे में जितनी उसकी वैल्यू या वर्थ होगी ज़रूरी है। एक इम्प्लाई ज़रूर गोशवारे में इसको शो करेगा, सैलरी इनकम में, सैलरी बेनिफिट में इनको लिखा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है, यूटिलिटीज़ गैस वेदर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। अगर कोई ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है, यूटिलिटीज़ की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस की या लाइबिलिटीज़ जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, जो वाटर है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी या कोई और फैसिलिटी, तो इस अमाउंट को या वैल्यू को आपको इम्प्लाई को अपने गोशवारा में या रिटर्न में शो करना ज़रूरी होगा। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिट इन ली ऑफ आर इन एडिशन। नेक्स्ट हम स्लाइड पे जा रहे हैं, लास्ट स्लाइड हमारे पास, तो ये होगा प्रॉफिट्स इन ली ऑफ क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट इन ली ऑफ क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी इम्प्लाई रिटायर होता है या टर्मिनेट किया जाता है, तो उसको इदारे की तरफ से जो भी कंपेंसेशन मिलेगी ये प्रॉफिट इन ली ऑफ कंसिडर होगी। कंपेंसेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एक पर्सन जॉब कर रहा है और किसी टाइम में या किसी ईयर में उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके ग्रेड या स्केल या बीपीएस या उसकी सैलरी जो रेट्स हैं, ये अगर अपग्रेड हो जाते हैं, इनको इम्प्रूव कर दिया जाता है, प्रमोशन दे दी जाती है, तो उससे जो भी फ़ायदा होगा एक एम्प्लॉय को, उसको आप ज़रूर अपने गोशवारा में शो करेंगे और ये सैलरी हेड होगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। कोई भी अमाउंट जो प्रोविडेंट फंड की मद में, यानी एक एम्प्लॉय जब प्रोविडेंट फंड में हर महीने कुछ ना कुछ डिपॉजिट करता रहता है, और जब रिटायर होता है तो उसकी मद में या प्रोविडेंट फंड डेथ है या इंसैनिटी है, उसके हायर्स को मिल जाए एम्प्लॉय का, तो ये सारा सैलरी होगा और इसको सैलरी में डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया हुआ है कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने, और उस अकाउंट में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों डिपॉजिट करते हैं कुछ अमाउंट मंथली, जब ये पर्सन रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम उसको प्रोविडेंट फंड का शेयर दे दिया जाता है, उसकी डेथ की कंडीशन में, इंसैनिटी की कंडीशन में, या कोई भी और कंडीशन हो, सिचुएशन हो, उसमें अगर एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर की तरफ से उसके प्रोविडेंट फंड का शेयर मिल जाए, जो उसने उसकी इन्वेस्टमेंट थी, सैलरी से डिडक्शन होती रही थी, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों शेयर देते रहे, और एंड पे जाके ये डिविडेंड मिल जाए रिटायरमेंट के टाइम, तो इस अमाउंट को सैलरी इनकम के हेड में रखा जाएगा, शो किया जाएगा, और ये प्रॉफिट इन ली ऑफ है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि अमाउंट रिसीव्ड ओवर टाइम पेमेंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। कोई भी ओवर टाइम पेमेंट अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को मिले, कोई भी एम्प्लॉय अगर ओवर टाइम जॉब करे या सर्विसेज दे और उसके कोई बेनिफिट मिले, तो ये भी सैलरी इनकम होगी और ये प्रॉफिट इन ली ऑफ हम इसे कंसिडर करेंगे। अलाउंसेस सच एज डेयरनेस अलाउंस, कोई भी अगर फ्रेंडशिप डेयरनेस या महंगाई अलाउंस दे दिया जाता है, कन्वेंस अलाउंस दे दिया जाए, कन्वेंस फैसिलिटी नहीं बल्कि कन्वेंस अलाउंस दे दिया जाए,
मेडिकल अलाउंस दे दिया जाए, इंटरटेनमेंट अलाउंस है, यूटिलिटीज अलाउंस एटसेट्रा रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को अगर ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, यानी डेयरनेस अलाउंस, फ्रेंडशिप अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, या किसी भी की सिचुएशन पर जैसे कोविड अलाउंस दे दिया गया, तो ये कोविड पेंडेमिक अलाउंस दे दिया गया, तो इंटरटेनमेंट अलाउंस है, यूटिलिटीज अलाउंस एटसेट्रा, ये अगर कोई भी इम्प्लॉयर अपने इम्प्लाई को या ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाई को प्रोवाइड करे, तो इम्प्लाई को अपने गोशवारा में या टैक्स रिटर्न में इसे शो करना ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा, बट ये प्रॉफिट इन ली ऑफ होगा। सेकेंड लास्ट है बोनस रिसीव्ड फ्रॉम इम्प्लॉयर। कोई भी इम्प्लॉयर अगर बोनस ले, बोनस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एनुअल बोनस दिया जाए, ये सैलरी हेड में डिक्लेयर किया जाएगा बोनस। लास्ट पॉइंट, डायरेक्टरशिप फी और फी फ्रॉम अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ टैक्सेबल सैलरी। अगर कोई भी डायरेक्टरशिप फी दे दी जाए या किसी मीटिंग को अटेंड करने का ऑनरेरिया या अलाउंस दे दिया जाए, एजाजिया दे दिया जाए, तो ये भी सैलरी हेड होगा और इसको सैलरी में टैक्सेबल किया जाएगा, आप सैलरी में इसे डिक्लेयर करेंगे और ये प्रॉफिट इन ली ऑफ का हेड होगा। तो आज हमने सैलरी हेड के कुछ स्कोप देखा और फीचर्स डिक्लेयर किए कि हमने पढ़ा कि जब आप डायरेक्ट टैक्स में जाते हैं तो डायरेक्ट टैक्स के पाँच हेड हैं। पाँच हेड में पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई भी पर्सन सैलरी पर्सन है, जॉब होल्डर है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, और वो सैलरी अर्न करता है, तो उसको अपना टैक्स रिटर्न में अपनी सैलरी को डिक्लेयर ज़रूर करना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट हेड था डायरेक्ट टैक्सेस में। या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।